ये हम कहाँ पे अब पहुँच गए हैं पूरे? ये हम लोग संगम पे पहुँच गए हैं। ये जमुना जी है, ये गंगा जी। अच्छा, जमुना जी यहीं तक स्थायी है। हाँ। और जमुना जी इस तरफ नहीं आती, खाली अच्छा। यहीं तक रहती है। अच्छा। और यहाँ से गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों बहन मिलके सीधा हाँ। काशी तरफ जाती हैं, बनारस। अच्छा। और वहाँ से हाँ बंगाल के खाई में चली जाती हैं। अच्छा, बंगाल के खाई में। हाँ। तो ये पानी क्या, ये गंगा का पानी किस कलर का होता है? ये थोड़ा बालू कलर का रहता है, धूमिल कलर का। किसका पानी? गंगा जी का। और जमुना जी का हरा रहता है। अच्छा, हरा पानी। हाँ। अच्छा, और ये दोनों पानी क्या एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं? नहीं चढ़ते, जमुना जी बस यहीं तक रहती है। अच्छा, यहीं तक रहेंगी जमुना जी, और गंगा जी चली जाती है सीधा बनारस। अच्छा। हाँ, जमुना जी का बस यहीं तक का वो? हाँ, बस ये इसी को संगम बोलते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। सरस्वती जी का गुप्त धारा। ठीक है। सरस्वती जी का जैसे ये बता रहे हैं गुप्त धारा है, जमुना और गंगा यहाँ पे मिलन होता है, और इनका जो पानी है गंगा का वो पानी हल्का मटियाहा टाइप का होता है, और जमुना का पानी जो है वो हरा होता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, गंगा का पानी जो है वो मटियाहा होता है, और जमुना जी का पानी जो है वो हरा होता है। ये दोनों पानी आपस में एक दूसरे ऊपर चढ़ते नहीं हैं, ये साफ। जब आप यहाँ पे कभी प्रयागराज आइए तो ये नज़ारा देखने ज़रूर आइए। ये दोनों अगल बगल में रहती हैं और दिखते हैं कि ये एक तरफ हरा पानी रहता है और एक तरफ मटियाहा पानी रहता है। धन्यवाद।